अब हम पढ़ेंगे इमोशंस ऑफ द न्यूनेट, नवजात शिशु के संवेग। अब इसमें जो वॉटसन है उन्होंने 1925 के अनुसार शिशु के जन्म के समय या जन्म के कुछ ही समय बाद तीन संवेग पाए जाते हैं। वॉटसन का ये विचार का है कि इनके जो हैं वो कौन कौन से, भय, क्रोध और प्रेम। इन्होंने देखिए 1925 में ये क्या था, वॉटसन ने बोला था कि बच्चे के जो हैं संवेग हैं इमोशंस हैं वो तीन हैं, सबसे पहले भय, फिर क्रोध और प्रेम। फिर अलग अलग ने ये अलग अलग लोगों ने ये अलग अलग ये प्रतिक्रिया बदी हैं। इसमें लिखा है हॉरलॉक ने 1978 में लिखा है, इट वुड बी इलॉजिकल टू एक्सपेक्ट दैट इमोशनल स्टेट्स एट बर्थ वुड बी सो वेल डिफाइंड दैट दे कुड एज रेडिली आइडेंटिफाइड एज स्पेसिफिक इमोशंस। फिर प्लेजरेबल ये है, ये है ठीक है, और फिर अब अनप्लेजेंट है ठीक है, और ऐसे सब ने अपने अपनी प्रक्रियाएं दी हैं। लेकिन इसमें ये है कि इसमें ये किया है कि जब माताएं अपने रोते शिशु को व्यस्तत के कारण परिवार के अन्य लोगों को चुप कराने के लिए दे देती हैं, या बच्चे की देखभाल करने वाली आया को चुप कराने के लिए दे देती हैं, तो वह बधुआ शिशु को डरा धमका कर चुप कराते हैं। ऐसे में बालक में भय समय के आंतरिक विकसित होते हैं। तो ये तो आ गया भय। अब कभी कभी ये भी देखा गया है कि माता पिता की व्यवस्था या अन्य किसी कारणों व नवजात शिशु का लालन पालन सही ढंग से नहीं हो पाता। नवजात शिशु यदि बरो रहा है तो रोते रोते स्वयं रो रो कर चुप ही हो जाता है, पर इस प्रकार की जो ये बालक में भय, असुरक्षा और की ये भावनाएं ये उत्पन्न होती हैं। तो देखिए आज की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, आपने अधिकतर देखा होगा आजकल हम कहते हैं कि बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, हम बच्चे को चुप कराने के लिए उसके हाथ में मोबाइल थाम देते हैं। अब बच्चे को जब बचपन से ही मोबाइल की आदत पड़ जाती है तो वो हम तो कहते हैं ये खिलौना है, लेकिन वो खिलौना नहीं है, वो उसका आदि हो जाता है। छोटा सा बच्चा वो रोता है, हम कहते हैं ले ये ले मोबाइल ले ठीक है, तो उसको मोबाइल दे के हम चुप, तो मोबाइल उसकी ज़िंदगी का एक एडिक्शन हो जाता है। फिर आगे चल के जो उसकी मानसिक है, आँखें हैं और उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो बच्चे का लालन पोषण जो है वो माँ को ही करना चाहिए। माँ जो शब्द यूज़ किया है, जो बच्चे का लालन पोषण पालन माँ कर सकती है वो कोई मौसी या काम वाली भाई जी नहीं कर सकती। आगे चलते हैं, ये कहता है कि नवजात शिशु में अधिगम की क्षमता, कैपेसिटी फॉर लर्निंग इन न्यूनेट। बच्चे की क्षमता देखिए सीखने की क्या है। कोई भी प्राणी किसी समस्या या क्रिया का अधिगम तब करता है जब वह उस समस्या के संबंध में जागरूक हो। किसी समस्या के अधिगम के लिए ये भी आवश्यक है कि अधिगमकर्ताओं के सहनानु इसके विकसित और प्रवृत्त हों या सामान्य का अधिगम कर सके। नवजात शिशुओं के सन्नानियों और मास्तिक इतने परिकृत नहीं होते हैं कि वह किसी सामान्य का सरल से सरल विधि द्वारा यह अधिकतम कर ले। नवजात शिशु के जागरूक भी नहीं हैं कि बराबर पाई जाती हैं। कुछ अध्ययन जैसे डीपी मैरिकस हैं या केसी पैरेट हैं के द्वारा ये स्पष्ट है कि यद्यपि नवजात शिशु के अनुबंधन कंडीशनिंग द्वारा उसको बहुत कठिन है, फिर भी सत्यापान संबंधी परिस्थितियों में फीडिंग सिचुएशन के प्रति नवजात शिशु को अधिकतम अधिगम कराया जा सकता है, परंतु ये अनुबंध जन्म के कई दिनों बाद ही स्थापित किया जा सकता है। अब इसका आखिरी टॉपिक है नवजात शिशुओं की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व।
अब ये कहते हैं कि जो नवजात शिशु के व्यक्तित्व के अंतर कुछ ही दिनों में दृष्टिकोण बहने लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ नवजात शिशु सोने के तरह अच्छे और कीमती भी होते हैं और कुछ माता पिता के लिए अधिकतम ये परेशानी पैदा करते हैं। नवजात शिशु के व्यक्तिगत के अंतर वंशकरण और वातावरण संबंधी कारकों के कारण तो होते ही हैं, साथ ही साथ व्यक्तिगत के अंतर में होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रीमैच्योर बर्थ, जन्म के समय की परिस्थितियां तथा स्वास्थ्य की बदिशा आदि कारकों के कारण भी होते हैं। जो फ्रेड है, फ्रेड ने 1936 में 1936 में का विचार किया था कि नवजात शिशु के लिए जन्म एक दैहिक और मनोवैज्ञानिक अज्ञात साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल शॉक है। इस आघात के कारण बालक में चिंता उत्पन्न होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे राजू ने 1949 और कैथरीन ने 1950 का विचार किया था, बात को कोई प्रभावित नहीं है कि जन्म शिशु के लिए अज्ञात और उनमें चिंता उत्पन्न करता है तथा जन्म उनके व्यवस्थित विकास में को महत्वपूर्ण ढंग से ये प्रभावित करती है। ये अध्ययनों द्वारा, चलिए ये आगे पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी ऑफ द न्यूनेट, नवजात शिशु का व्यक्तित्व। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए जो इसमें दिया गया है कि जो पर्सनैलिटी है बच्चे की वो कुछ दिनों बाद ही हमें दिखने लगती है, और जब बच्चा सोता है सोने की तरह अच्छे और कीमती भी होते हैं और कुछ माता पिता के लिए अधिक परेशानी कर देते हैं। नवजात शिशु के जो पर्सनैलिटी है वो धीरे धीरे ये विकसित होती है, साथ ही हमें पता चलता है। एक तो दिक्कत वहाँ आती जो प्री मैच्योर बर्थ होते हैं, ठीक है, जो जन्म से पहले ही बच्चा पैदा ही हो जाता है, जन्म के समय की परिस्थितियां, स्वास्थ्य की बदिशाएं आदि कारकों के कारण भी उसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होती है, फर्क पड़ता है। फ्रेड ने 1936 के विचार में कहा कि नवजात शिशु के लिए जन्म एक दैहिक और मनोवैज्ञानिक आघात है, यानी कि फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा बताया है कि इस आघात के कारण बालक में चिंता उत्पन्न होती है, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिक है जैसे एच राजू हैं, उन्होंने 1949 में, और कैथरीन हैं 1951 में विचार किया कि बात का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कि जन्म शिशु के लिए अज्ञात और उसमें चिंता उत्पन्न करता है तथा जन्म उनके व्यक्तिगत विकास को महत्वपूर्ण ढंग से ये प्रभावित करता है। ये अध्ययनों द्वारा जो ये अवश्य सिद्ध हो चुका है कि जो बालक जन्म लेते समय माँ से अलग हो जाता है और माँ से दूर रहता है, उसका विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन उत्पन्न अच्छा नहीं होता है जितना कि उन बच्चों का जो माँ के साथ रहते हैं। अब बाकी भी हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से दिए हैं, क्योंकि देखिए ये जो बाकी जो इन्होंने हमारे जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने अपने विचार दिए हैं, इन्होंने अपने विचार दिए कि बच्चा कब पैदा होता है, वो कब होता है। किसी ने कहा कि वसंत में ये पैदा होना चाहिए, जो बालक ये वसंत या शरद ऋतु में पैदा होते हैं, और तो उन ये सब ठीक है क्योंकि ये जितने भी स्कॉलर्स हैं ये फॉरेन कंट्री के हैं, हिंदुस्तान के नहीं हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का जो मौसम है, ठीक है ना, जिसे हम मौसम कहते हैं, हिंदुस्तान का मौसम और वेस्टर्न का मौसम जो पश्चिम देशों का मौसम है उसमें बहुत बहुत ही यही अंतर है। तो हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए, और इसमें जो मूल है, ये जो हमने पूरा पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ा है या टॉपिक पढ़ा है, इसमें मूल है कि जिस दिन माँ अपने घर में शिशु को कंसीव कर लेती है और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, उसका पालन पोषण नहीं होता, माँ को खुश रहना चाहिए, अपना आहार अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा माँ के पास रह कर सीख सकता है वो मौसी या अपनी काम करने वाली बैजी या हॉस्टल में रह कर वो बच्चा नहीं सीख सकता। धन्यवाद।